डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल डिवाइड के कॉन्सेप्ट जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम जो है एक टेक्नोलॉजिकल इन्वामेंट में रह रहे हैं और आज की जो दुनिया है उसे हम विदाउट टेक्नोलॉजी अज्यूम भी नहीं कर सकते तो जब हम इतने ज़्यादा रिलाई करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर और इतना ज़्यादा डिपेंड करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर तो हमें इसकी अवेलेबिलिटी और एक्सेस के ऊपर भी बात करनी होगी तो डिजिटल डिवाइड क्या है डिजिटल डिवाइड हमें बताती है अन ईवन एक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ इन अ सोसाइटी के जो अब हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं क्या उन तक एक्सेस जो है इंटरनेट की और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की वो इन अ सिमिलर मैनर है या उसमें डिस्पैरिटी पाई जाती है इस चीज़ को हम डिजिटल uh, डिवाइड कहते हैं और जब हम बात करते हैं इस टर्म की दिस टर्म फर्स्ट यूज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स पब्लिश्ड एज फॉलिंग थ्रू द नेट आ सर्वे ऑफ द हैव नॉट्स इन रूरल एंड अर्बन अमेरिका इन 1995 तो पहले जो डिजिटल डिवाइड की जो बात हुई है, वो अमेरिका में ही हुई और इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो अमेरिकन हैं और जो अर्बन सेंटर्स के अमेरिकन हैं उनको तो आ, इंटरनेट की एक्सेस है अवेलेबलिटी है और जो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल है उन लोगों को मगर जब हम रूरल अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे आ, इंटरनेट की अवेलेबलिटी नहीं है तो इसी की बेस पर यह कॉन्सेप्ट एबोरेट किया गया है कि जब हम इसे दुनिया के लेवल पर देखते हैं और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लेवल पर देखते हैं तो टेक्नोलॉजी जो है पर्टिकुलरली जो इंटरनेट है ये अवेलेबल नहीं है इक्वली थ्रू आउट द वर्ल्ड और इसके फैक्टर्स क्या हैं जब हम uh, बात करें uh, कि इस अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनेट की तो पहली तो फिज़िकल एक्सेस है कि इंटरनेट जो है कई ममालिक हैं एक कम्युनिटीज ऐसी हैं वहाँ तक अभी पहुँचा ही नहीं अगर पहुँचा है तो बड़ा लिमिटेड आ, ली अवेलेबल है फाइनेंशियल एक्सेस इंटरनेट आ, की एक कॉस्ट है और आ, उसको कॉमन लोगों तक पहुँचाने की भी एक कॉस्ट है जो स्टेट को पे करनी पड़ती है और उसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना पड़ता है जिसके लिए उसे फाइनेंस चाहिए तो Uh, कितना कोई मुल्क फाइनेंशियली uh, इंडिपेंडेंट है या फाइनेंशियली रिजिलियंट है कि वो आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है या वो इतना पैसा लगा सकता है कि वो उसके जो है सिटीजन्स um, जो हैं वो इंटरनेट को एक्सेस uh, कर सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें सोशो डेमोग्राफिक एक्सेस जैसे मैंने अभी uh, पहले बताया आपको अमेरिका का ही तो रूरल अर्बन डिवाइड की बात हुई उसमें इसी तरह अक्रॉस द कंट्रीज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स हैं जिसको इंटरनेट तक एक्सेस नहीं जैसे कि uh, मर्द ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं औरतों की बन और मर्दों में भी अगर बात की जाए तो बच्चों को इतनी इंटरनेट एक्सेस नहीं होती बूढ़े लोगों को इतनी इंटरनेट एक्सेस नहीं होती और जो ग़रीब तबका होता है किसी भी कम्युनिटी का उसके लिए इंटरनेट एक्सेस जो है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होती क्योंकि वो इसकी कॉस्ट पे नहीं कर सकता कॉग्निटिव एक्सेस जो आई सी टी टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो इंटरनेट इेबल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कितनी इजी टू यूज़ हैं क्या वो हर शख्स कम्युनिटी का हर फर्द उसको इजीली इस्तेमाल कर भी सकता है कि नहीं कल्चरल एक्सेस हम देखते हैं कि कुछ कम्युनिटीज़ में बैरियर्स होते हैं जो कि इंटरनेट uh, की अडोपशन पर लगाए जाते हैं जैसे हमारे ही मुल्क में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे आज भी uh, जो है इंटरनेट uh, की एक्सेस नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ़ द कल्चर ऑफ़ दोज कम्यूनिटीज़ पोलिटिकल एक्सेस पोलिटिकल विल कितनी है इंटरनेट को फ्रीली अवेलेबल करने की या इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन मैन के लिए अवेलेबल करने के लिए इसको हम पोलिटिकल एक्सेस कहते हैं तो ये सारे uh, जो फैक्टर्स हैं ये डिटरमिन करते हैं कि किसी कम्युनिटी में किसी कंट्री में कितने फीसद लोग हैं जो वो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और कितने फ़ीसद लोग हैं जो इंटरनेट को अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो अगर हम टाइप्स बनाएं डिजिटल डिवाइड की तो देयर आर टू टाइप्स ग्लोबल डिजिटल डिवाइड एंड जेंडर डिजिटल डिवाइड और इन दोनों टाइप्स पर हम अपने लेक्चर्स में अलग-अलग बात करेंगे